तोशाखाना रेफरेंस में नैब किस किस को बतौर गवाह पेश करेगा। गवाहान की फहरिस्त सामने हासिल कर ली है। तोहफे का निजी तौर पर तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह पेश होंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे, नुमाइंदे समाज सुहेल रशीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल रशीद बताइएगा, बड़ी अहम मालूम जो कि समा ने हासिल की है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिये, अहम रेफरेंस है जिसमें फर्द जुर्म आयद होने के बाद आप शादियां रिकॉर्ड करने का मरहला आया है। तो नैब आप 20 गवाहान बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ अदालत में पेश करेगा। फहरिस्त गवाहान की समा को मौसूल हो गई है। जो ग्रास जुरी सर था उसकी प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह अदालत में पेश होंगे। जबकि साबिक वजीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी भी गवाहान में शामिल हैं। इसके अलावा डिप्टी कौंसलेट जनरल दुबई रहीमुल्ला तोशाखाना के सेक्शन अफसरान भी अदालत में जाकर गवाही देंगे। जबकि पीएम ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल जायद सरफराज भी नैब के गवाह होंगे। इसके अलावा जो नैब की तफ्तीशी टीम में शामिल अफसरान रहे हैं वो भी बतौर गवाह पेश होंगे। सिर्फ 20 गवाहान नैब ने इस केस में मुकर्रर ठीक है। तो ये कहां मरहला है शहादतें रिकॉर्ड करने का? बहुत शुक्रिया अपना आगा किया सुहेल। फहरिस्त सामने हासिल कर ली है। तोहफे का निजी तौर पर तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह पेश होंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे, नुमाइंदे समाज सुहेल रशीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल रशीद बताइएगा, बड़ी अहम मालूम जो कि समा ने हासिल की है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, अहम रेफरेंस है जिसमें फर्द जुर्म आयद होने के बाद आप शादियां रिकॉर्ड करने का मरहला आया है। तो नैब आप 20 गवाहान बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ अदालत में पेश करेगा। फहरिस्त गवाहान की समा को मौसूल हो गई है। जो ग्रास जुरी सर था उसकी प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह अदालत में पेश होंगे। जबकि साबिक वजीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी भी गवाहान में शामिल हैं। इसके अलावा डिप्टी कौंसलेट जनरल दुबई रहीमुल्ला तोशाखाना के सेक्शन अफसरान भी अदालत में जाकर गवाही देंगे। जबकि पीएम ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल जायद सरफराज भी नैब के गवाह होंगे। इसके अलावा जो नैब की तफ्तीशी टीम में शामिल अफसरान रहे हैं वो भी बतौर गवाह पेश होंगे। सिर्फ 20 गवाहान नैब ने इस केस में मुकर्रर ठीक है। तो ये कहां मरहला है शहादतें रिकॉर्ड करने का? बहुत शुक्रिया अपना आगा किया सुहेल। फहरिस्त समा ने हासिल कर ली है। तोहफे का निजी तौर पर तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह पेश होंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे, नुमाइंदे समाज सुहेल रशीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल रशीद बताइएगा, बड़ी अहम मालूम जो कि समा ने हासिल की है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, अहम रेफरेंस है जिसमें फर्द जुर्म आयद होने के बाद आप शादियां रिकॉर्ड करने का मरहला आया है। तो नैब आप 20 गवाहान बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ अदालत में पेश करेगा। फहरिस्त गवाहान की समा को मौसूल हो गई है। जो ग्रास जुरी सर था उसकी प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह अदालत में पेश होंगे। जबकि साबिक वजीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी भी गवाहान में शामिल हैं। इसके अलावा डिप्टी कौंसलेट जनरल दुबई रहीमुल्ला तोशाखाना के सेक्शन अफसरान भी अदालत में जाकर गवाही देंगे। जबकि पीएम ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल जायद सरफराज भी नैब के गवाह होंगे। इसके अलावा जो नैब की तफ्तीशी टीम में शामिल अफसरान रहे हैं वो भी बतौर गवाह पेश होंगे। सिर्फ 20 गवाहान नैब ने इस केस में मुकर्रर ठीक है। तो ये कहां मरहला है शहादतें रिकॉर्ड करने का? बहुत शुक्रिया अपना आगा किया सुहेल। फहरिस्त समा ने हासिल कर ली है। तोहफे का निजी तौर पर तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह पेश होंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे, नुमाइंदे समाज सुहेल रशीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल रशीद बताइएगा, बड़ी अहम मालूम जो कि समा ने हासिल की है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, अहम रेफरेंस है जिसमें फर्द जुर्म आयद होने के बाद आप शादियां रिकॉर्ड करने का मरहला आया है। तो नैब आप 20 गवाहान बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ अदालत में पेश करेगा। फहरिस्त गवाहान की समा को मौसूल हो गई है। जो ग्रास जुरी सर था उसकी प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह अदालत में पेश होंगे। जबकि साबिक वजीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी भी गवाहान में शामिल हैं। इसके अलावा डिप्टी कौंसलेट जनरल दुबई रहीमुल्ला तोशाखाना के सेक्शन अफसरान भी अदालत में जाकर गवाही देंगे। जबकि पीएम ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल जायद सरफराज भी नैब के गवाह होंगे। इसके अलावा जो नैब की तफ्तीशी टीम में शामिल अफसरान रहे हैं वो भी बतौर गवाह पेश होंगे। सिर्फ 20 गवाहान नैब ने इस केस में मुकर्रर ठीक है। तो ये कहां मरहला है शहादतें रिकॉर्ड करने का? बहुत शुक्रिया अपना आगा किया सुहेल।